हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट ग्रामर आपका कुछ भी नहीं बनेगा। हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, ये ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत लोगों को क्या है, पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है। 90% को पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है, मैंने ना ही कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ग्रामर स्टार्ट करना है हम लोग को, पूरा बेसिक से पढ़ना है, तो क्या है अच्छे से हम लोग पैसेज सॉल्व कर पाएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 से 4 पैसेज रहता ही है, चाहे वो कुछ भी का एग्ज़ाम हो, JEE हो, AE हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, उसमें पैसेज तो रहना ही है। इवन अब 10th 12th में भी देने लगा है, तो सबको जानना जरूरी है ग्रामर। ठीक है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग सबको आता है, लेकिन सही जगह पर सही सेंटेंस का यूज होना जरूरी है। हम लोग को इरर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो वहाँ पे इरर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन हम लोग का वीक रहता है। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला टॉपिक है नाउन। जैसे तो नाउन सबको आता है, नाउन का डेफिनेशन है नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी आदमी का नाम, वस्तु या जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। हर एक चीज़ में नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राम, मुंबई, बेड, कुछ भी हो तो वो नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, टाइप नाउन के बहुत सारे टाइप हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ कुछ को देखेंगे, बहुत सारे को देखेंगे। ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और डेजिग्नेशन। ठीक है, किसी भी आदमी का नाम या तो जगह या फिर उसका डेजिग्नेशन, क्या जॉब करता है, क्या उसके गोल है, तो ये उसका डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो इसका रूल होता है, देखो सबका रूल होता है नाउन का। ठीक है, कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ऑल मेजर वर्ड्स इन प्रॉपर नाउन मस्ट बी स्टार्ट बिफोर कैपिटल लेटर। ठीक है, कोई सा भी अगर मेजर वर्ड्स मीन्स जो उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड होगा वो क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, माय अंकल वर्क्स चीफ जनरल मैनेजर इन HCL। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मेजर वर्ड क्या है, वो जनरल मैनेजर है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्सेप्ट दैट डोंट हैव फिक्स्ड डेफिनेशन, इसका मतलब यह है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि ब्यूटी, एग्जांपल के लिए ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता कोई डेफिनेशन है नहीं है, तो यही इसका एग्जांपल है। करेज, इंटेलिजेंस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। अब देखो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ वर्ड यूज टू रिफर टू ग्रुप एज वन यूनिट। ठीक है, ये जो समूह में बातें होती है तो वहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आर्मी हो गया, कमिटी हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, ये उसके एग्जांपल है। और देखो इसके भी कुछ रूल हैं। रूल क्या है कि सेंटेंस शुड बी इन सिंगुलर नंबर। जो यहाँ पे सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर पे ही होगा, मींस इस सेंटेंस में कहीं भी प्लूरल बात नहीं होगी, मींस बहुवचन के बारे में बात नहीं होगी। तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है कि ज्यूरी जो है अपना स्टेटमेंट दे देता है। ठीक है, अब देखो थर्ड फोर्थ है मटेरियल नाउन। नेम ऑफ ऑल मटेरियल्स, जितना भी मटेरियल है वो क्या है, वहाँ मटेरियल नाउन आता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, यह चेन जो है मे सोने का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके रूल देखो, ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स। ए और एन का यूज हम लोगों को जहाँ पे मटेरियल नाउन्स होगा हम लोग वहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, ये रूल है, रूल जानेंगे तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या नाउन है। ठीक है, अब देखो दूसरा रूल है, द शुड बी यूज टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, अगर आपका वो मटेरियल है, कुछ कुछ के लिए ओनली ही द का यूज होता है। जैसे कि दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक, मेड ऑफ द गोल्ड, यहाँ पे देखो यह चेन सोने का बना है, विच माई मदर गिव मी। ठीक है, जो उसकी माँ ने दिया है वह किस चैन क्या है, सोने का बना हुआ है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। अब देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है,
जिसको गिन सकते हैं वहाँ पे काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखो काउंटेबल क्या होगा, अलॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, और ये क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, सिंगुलर में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अलॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड एवरी डे, बहुत ज़्यादा पानी क्या है, रोज बहता है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, हमेशा सिंगुलर रहते हैं नाउंस में। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, जैसे कि एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, हेयर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। ठीक है, और ये कुछ वर्ड जो है हमेशा प्लूरल में रहते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गया, शूज हो गया, ट्राउजर्स हो गया। ठीक है, थैंक यू।